हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी, वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। बट ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, तो जरूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें या पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करें। तो हम चेक करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लव लाइफ में कैसे रहेंगे, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या वो एक्शन ले सकते हैं और क्या हो सकता है पॉजिटिव। फर्स्ट कार्ड है वैनिटी। आपके पार्टनर ना सेलिब्रेट हो सकता है, कुछ करें, कुछ गेट टुगेदर करें, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई गाइडेंस आपके पार्टनर को मिले, कोई रास्ता आपके पार्टनर को मिले और वो एकदम से खुश हो जाएं, क्योंकि बॉटम में है ग्रोथ। ठीक है, कोई ग्रोथ का इस रिश्ते में कि ग्रोथ कैसे की जाए, आपके पार्टनर को कोई रास्ता मिलेगा, कोई तरकीब मिलेगी, कोई गाइडेंस मिलेगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर से काफ़ी आप खुश हो जाएंगे एंड उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। अगर अभी तक इनका हार्ट चक्रा क्लोज था या आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो एक एक्सेप्टेंस आएगी, बिकॉज जो इनसिक्योरिटी के इशू थे वो उनके हील हो जाएंगे एंड ये पॉजिटिव फील कर पाएंगे कि हाँ, इस रिश्ते में भी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्लेसेंसी एंड बॉटम में है हमारा पैशन। ठीक है, जो पैशन इनकी लाइफ से ओवर हो गया था, जिसकी वजह से ये किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी, डर था, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए ये रेडी नहीं थे, इन्हें लगता नहीं था कि आपका और इनका रिश्ता फ्लोरिश कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ना ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे एंड जो पैशन, जो कहते हैं ना कि किसी रिलेशनशिप को अपनाने के लिए जुनून होना चाहिए, वो इनकी लाइफ से कहीं गायब सा हो गया था, वो जुनून इनकी लाइफ में वापस आएगा। और ये सब इसलिए हुआ है बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हैं और आपकी प्रेयर्स डिवाइन ने कबूल की हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको पैशनेटली काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में पैशनेटली सोचने वाले हैं। अगर ये पहले एक्सेप्टेड मोड में नहीं थे तो ये एक्सेप्ट करेंगे उन चीज़ों को भी जो इनसे नहीं संभल पाई एंड उन चीज़ों को भी कि जिनको ये अभी भी संभाल सकते हैं और ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन से इनका डीप कनेक्शन होगा, वैनिटी इज हियर, एंड वहीं ये प्रेयर भी करेंगे कि प्लीज़ डिवाइन, जब इतना सब कुछ किया है ना, तो आगे भी इस कनेक्शन को संभाल के रखना। नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा वो गिल्ट में जरूर रहेंगे कि वो अभी तक इस कनेक्शन को ग्रो नहीं कर पाए और अच्छा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी इनमें रहेगी कि यार, मैं ना जिसमें भी एफर्ट लगाता हूँ या मैं जिसको भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस चीज़ की ना ग्रोथ ही नहीं हो पाती। लेकिन उसके अपोजिट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा इनके अंदर कि आगे अब ये चीज़ें ग्रो कर जाएंगी, बिकॉज इन्हें लगेगा कि इन्हें डायरेक्शन मिल गई, इन्हें राह मिल गई और अब ये कर सकते हैं। येस आई कैन डू, ठीक है, येस आई कैन डू, तो येस आई कैन डू वाली फीलिंग्स आने वाली है। अब मैं देखती हूँ जिन से क्या मैसेज आता है फॉर यू, फॉर योर पार्टनर सक्सेस। देखा, जो मैंने बोला था वही कार्ड है, सक्सेस आप लोगों के रिश्ते में आएगी। 10 कार्ड है सेपरेशन का, चीज़ों के ख़त्म होने का। अगर आपको लगता था कि आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं ख़त्म हो गया है या फिर यहीं ख़त्म हो जाएगा, तो नोट लाइक दिस। एरिज लियो से आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोचेंगे, आपको मिस करेंगे, नेक्स्ट इस रिश्ते में कुछ करने की ताकत उनमें आएगी, कुछ करने का जुनून उनमें आएगा, और जो जुनून उनमें ख़त्म हो गया था कि लाइक इस रिश्ते का तो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता या फिर आपके जैसा पार्टनर तो उन्हें मिल ही नहीं सकता, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनका पैशन भी आप हो, उनका जुनून भी आप हो, वो आपको पाने के लिए प्रेयर भी कर रहे हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ भी लाना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस भी उन्हें मिल रही है और काफ़ी पॉजिटिविटी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी आप इस रिश्ते में एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, अच्छे से अच्छा आपको उसका वर्जन मिले। ठीक है, अगर कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कॉल मिलेगी, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कमिटमेंट मिलेगी, बिकॉज आपके पार्टनर्स की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर वो अभी तक आपके प्रपोजल को ठुकरा रहे थे, नहीं अपना पा रहे थे, तो अब ये पर्सन समझेंगे कि आपका प्रपोजल इनके लिए कितना वर्दी है और हो सकता है कि ये कन्फेस कर दें कि हाँ, दे लव यू, बिकॉज उनको समझ में आ गया
आपके बीच में और लोगों के बीच में कंपैरिजन समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, और आपकी वैल्यू आपकी वर्थ का भी उन्हें एहसास हो चुका है। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। कन्फेशन आ रहा है, आपकी तरफ ट्रैवल आ रहा है, आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट आ रहा है, एंड एक्सपीरियंसिंग ओके। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज लियो सैज तो काफ़ी ज़्यादा है, अगेन एरीज लियो सैज प्लेफुलनेस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स जब साथ में आते हैं तो मुझे ये बताते हैं कि अगर ये पर्सन ना सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपने ऊपर फोकस थे, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड थे, जहाँ इनको किस्मत लेके जा रही थी, जहाँ इनको डेस्टिनी लेके जा रही थी, जहाँ इनको दुनिया लेके जा रही थी, ये वहीं भागते जा रहे थे अपने ही जुनून में, तो अब इन पर्सन को समझ में आएगा कि रियल लाइफ में क्या होता है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। इनमें आ रही है मैच्योरिटी, और ये ऐसे ही नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आपने प्रेयर्स की हैं, डिवाइन की इनको गाइडेंस मिल रही है, इनको समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड इस रिश्ते को काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, आपका कनेक्शन रिकवर हो रहा है। वन मोर कार्ड, क्लिंजिंग टू द पास्ट। पास्ट टाइम में आप लोगों की लव लाइफ में जो भी इशू रहे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग इस टाइम काफ़ी कम बात कर रहे हैं या फिर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट टाइम के इशू हुए हैं ना, तो उससे जो भी इस पर्सन को नेगेटिव वाइब्रेशन मिली, ये उस सारी नेगेटिव वाइब्रेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे और आपसे रिकंसिलेशन करेंगे। अब मैं चेक करती हूँ कि ये फीलिंग्स तो इनमें बहुत अच्छी हैं, थॉट प्रोसेस भी इनका इतना अच्छा है, एनर्जीज भी इनकी इतनी अच्छी है, ये एक्शन क्या ले सकते हैं? दैट मीन्स ये सब फीलिंग्स हैं, ये सब थॉट्स हैं, ये सब एनर्जीज हैं, तो एग्जैक्टली में 48 आवर्स में ये एक्शन लेंगे क्या? प्लीज़ डिवाइन बताएं एग्जैक्टली ये एक्शन लेंगे क्या। कार्ड निकल के आया है टोटैलिटी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा था तो ये उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, एंड आपके साथ मिलजुल कर इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड है रिकंसिलेशन का, ठीक है, क्योंकि आपसे सेपरेट होकर इनको समझ में आ गया आपकी वर्थ का, इस रिश्ते की वर्थ का, एंड काफ़ी ज़्यादा इनको डिवाइन ने गाइडेंस भी दी है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, काफ़ी समझदार हो रहे हैं, और इनको समझ में आ गया कि आपके साथ रीयूनाइट करके, रिकनसाइल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, अदरवाइज इनके लाइफ में कुछ नहीं बचा। माइंड का कार्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, अगेन एरीज लियो सैज एनर्जी, जो कि ये दिखाती है कि ये पर्सन पहले बहुत ही प्रैक्टिकल थे, कैजुअल चीज़ों को लेते थे, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, बहुत ईजी वे में अपनी लाइफ को ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे थे, मैच्योर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उनका वो एस्पेक्ट ना एकदम से चेंज होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनका वो एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, और ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। द सोर्स इज इम्प्लाइंग कि ये पर्सन यूनिवर्स से नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा डीप और इंटेंस कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एंड गोइंग विद द फ्लो। एक ऐसा पर्सन जो भावनाओं में बहता ही जा रहा है, ठीक है, तो इनका प्यार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उमड़ने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ये लव फील करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेके इमोशनल होने वाले हैं, यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, एंड जब ये दो कार्ड्स एक साथ आते हैं तो मैं फील कर पाती हूँ कि ये पर्सन ना अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को छोड़कर, एक साइड में रखकर, देखिए लाइफ में ज़रूरी सब कुछ होता है, लेकिन ये पर्सन अगर अभी तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो अब ये पर्सन इमोशनल भी हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनमें ये चेंज काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। इमोशनल भी होंगे इस कनेक्शन में, स्पिरिचुअल भी होंगे इस कनेक्शन में, डिवाइन से कनेक्ट भी होंगे इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि इन्हें गाइडेंस मिल रही है, कनेक्शन होना तो इनका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन एरीज लियो सैज एनर्जी, फायर साइन यहाँ बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, वाटर साइन भी है और माइंड, ठीक है, माइंड का कार्ड बार बार यही बताता है कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फियर है, काफ़ी ज़्यादा साइकिक अटैक्स आ रहे हैं, इन्हें लगता है कि अगर अभी भी कुछ नहीं किया ना तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन को लूज़ कर जाएंगे, मिस कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे पॉसिबिलिटीज़, और इस पर्सन को लगता है कि अब ना बहुत कम पॉसिबिलिटी रह गई है, तो अभी भी नहीं कुछ किया तो कभी नहीं, कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये वाइब्रेशन आपके पार्टनर्स के मन में आ रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत मेसअप इन्होंने किया है, तो इनको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फ्लावरिंग, एक मदरली नेचर इनका नेक्स्ट 48 आवर्स में
अपलिफ्ट होगा इनके अंदर, एक मदरली एनर्जी जनरेट होगी इनके अंदर, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मोड में रहेंगे, बहुत ज़्यादा केयर टेकर रहेंगे, बहुत ज़्यादा पोलाइट रहेंगे, नर्चरिंग रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड भी रहेंगे। बॉटम इज सोरो, और ये इसलिए हुआ है बिकॉज आपसे जो जुदाई इन्हें मिली है, ठीक है, उससे इन्हें समझ में आ गया है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अब ये अकेले तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहते। ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अकेलेपन से, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, और हर हाल में ये आपको चाहते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ मिलकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एंड आपके साथ में अगर पहले अच्छे से बात नहीं करते थे तो उनकी काफ़ी अच्छे से बात हो सकती है। अब मैं चेक करूँगी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये सब हो। ओम साई राम। चेंज, ये चेंजेस आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली होंगे, ये आपको बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, एक नए नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखना है। अगर आपको लगता था कि आपके लाइफ में ना ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे नहीं, और अगर करोगे भी तो बहुत टाइम निकल जाने के बाद। अगर मेरी रीडिंग देखकर आपको लगता है कि डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना है और यही मैनिफेस्ट करना है कि ये चीज़ें हो जाएं, वो भी प्रेजेंट टेंस में। डेफिनेटली होंगी, कुछ लोगों की अगर एनर्जी थोड़ी वीक रहेगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको लगता है आपका कनेक्शन इतना फ्रूटफुल नहीं है, आपका पार्टनर इतना ऑनेस्ट नहीं है, उन्होंने चीट किया है, आपके लव लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हो, आपसे रेजोनेट करे, तो आप उसके लिए माइंड अपना ख़राब मत करें, बहुत ज़्यादा मत सोचें, कमेंट बॉक्स में आके बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन ना निकालें, ठीक है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं, ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है, और फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं जो कि पेड होती हैं, डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।